यूपी की राजधानी लखनऊ में राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का जायजा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने वैक्सीनेशन की गतिविधियों को बारीकी से जाना। इस दौरान अशोक वाजपेयी ने वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम के सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं राज्यसभा सांसद ने वैक्सीन लगवा रहे लोगों से बातचीत भी की। साथ ही साथ अशोक वाजपेयी ने डॉक्टर्स और स्टाफ से भी वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी ली। सिविल अस्पताल में जायजा लेने के बाद राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने इस महाअभियान के लिए सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने कोविड वॉरियर्स को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। निरीक्षण नहीं, हम सहयोग करने के लिए भी कि जो हमारे तमाम नागरिक आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए उनको कोई असुविधा ना हो, उनसे मिलना, उनसे संपर्क करना, और शासन द्वारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर संचालित किया गया है और प्रयास है कि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के न बचे और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं इन पर किसी प्रकार की असुविधा लोगों को ना हो, और इसलिए जिम्मेदारी सौंपी गई है सभी सांसदों को कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ जाकर के लोगों के बीच रहें, खड़े हों और जाकर के लोगों का सहयोग करने का काम करें। यहाँ बहुत ही सिविल अस्पताल में देखा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। एक एक करके सबका पंजीकरण हो रहा है, समय से सबका वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे के लिए प्रतीक्षा में सबको बैठाला जा रहा है और सभी लोगों को कि अगर टेम्परेचर वगैरह आती है तो उसके लिए पैरासीटामॉल की टैबलेट भी दी जा रही है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति हो कभी टेम्परेचर वगैरह आए तो खा लें। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे ढंग से संचालित हैं। साफ़ सफाई का भी बहुत इंतजाम है, किसी को भी लाइन से नंबर से सबका वैक्सीनेशन हो रहा है और सारे मरीज यहाँ बहुत संतुष्ट हैं जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जिस तेज़ी के साथ पूरा अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक दिन में लाखों की संख्या में एक एक दिन में वैक्सीनेशन हो रहा है और अब तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो है CSC हैं, उन सभी जगह पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। पूरा मेडिकल स्टाफ, पूरा मेडिकल प्रशासन इस काम में लगा है और सब बधाई के पात्र हैं। वैसे भी ये कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ा और आज वैक्सीनेशन में भी स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर, सारे पैरामेडिकल, सारे लोग रात दिन लगकर इस सेवा को देने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।